अभी हाथों को उठाओ प्रार्थना करने के लिए। बोलो आज मैं अपने दिल को कठोर ना कर सकूं, जो कुछ मैं सुनूं वो फल लेके आए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। स्वागत है परमेश्वर की प्रेजेंस में, मैंने कहा स्वागत है उसकी हजूरी में। आमीन। बैठ जाओ अपने शरीर में। आज ब्लेस दिन है। आमीन। जितना लंबा होगा, एक वचन में पढ़ना है, बार बार तुझे पढ़िया होएगा, पहला पत्रस उदी दो उदी नो आयत, पर तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए उसने तुम्हें अंधकार में से अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। सब बोलो आमीन। कहना तुसी की हो एक चुने हुए लोग, राजपदधारी याजकों का समाज, पवित्र लोग, परमेश्वर दी निज प्रजाओ। ते परमेश्वर ने कहना तुहानू अपनी अद्भुत ज्योति च बुलाया, तुहानू हनेरे चो कढ़िया, कहना ओदे गुण जड़े आ ओ प्रगट करो। आमीन। एज ए क्रिश्चन तुहाडी ड्यूटी बनती कि तुसी परमेश्वर वाले गुण जड़े है ओ लोकां दे उत्ते प्रगट करो। ये तुहाडी बुलाहट है। बहुत सारे लोग पूछते मेरी बुलाहट की है जी, मेरी कॉलिंग की है, परमेश्वर ने मैनू की काम करन दे लई बुलाया। सब तो पहला तुहाडी कॉलिंग ए है, तुहाडी बुलाहट ए है कि तुसी परमेश्वर द्वारा दिते गए वचना नू पूरा कर सको। ओदी कॉलिंग, ओदी बुलाहट ओदे वचना दे विच। आमीन। कहिंदा परमेश्वर ने तैनू हनेरे च बुलाया, जां तू पापी सीगा, जां तू नशियां दे विच सीगा, तैनू हनेरे दे विच अपनी अद्भुत ज्योति दे विच बुलाया। बाइबल च गल लिखी लिखिया, जदों यूसुफ दे भरा बैठे सीगे और यूसुफ दूरों आ रहा सीगा, ते बाइबल लिखा दूरों यूसुफ नू पहचान लिया ओदे परावां ने। पता क्यों पहचान लिया? तुसी दूरों को बहुत घट लोगों नू पहचान सकते हो, या तो वह बहुत मोटे होन या बहुत पतले होन, पर एक नॉर्मल बंदा अगर आ रहा हो तुसी उन्हें पहचान नहीं सकते। पर यूसुफ नू इसलिए पहचान सके क्योंकि रंग बिरंगा अंग रखा हमेशा ओदे बॉडी ते हुंदा सीगा। हां कि ना? ते बाइबल लिखा दूरों उन्हें पहचान लिया उन्होंने। जो परमेश्वर की दया तुहाडे ते आंदी है तुसी दूरों पहचाने जाते हो। फिर एक क्रिश्चियन होने के नाते तुसी गिफ्टेड हो। बाइबल च लिखा, बाइबल दे विच लिखा कि हर एक क्रिश्चियन व्यक्ति नू परमेश्वर अपनी आत्मा दे द्वारा किसे ना किसे गिफ्ट दे नाल भरदा। किसे नू एक प्रेरिताई दा गिफ्ट दिंदा, उन्हें हीलिंग दिंदा, उन्हें प्रोफेसी दिंदा, किसे नू काम करन दा गिफ्ट दिंदा, किसे नू बोन दा गिफ्ट दिंदा, किसे नू प्रबंध करन दा गिफ्ट दिंदा। पर बाइबल एक गल साफ साफ दसदी है कि तुहाडी लंबी उम्र और तुहाडी ब्लेसिंग तुहाडे गिफ्टां दे उत्ते डिपेंड नहीं करदी। एक बंदा गिफ्टड हो सकदा पर वो जल्दी मर सकदा। बाइबल दसदी गिफ्ट सब नू दित्ते जांदे, गिफ्ट जरूरी है, गिफ्ट आत्मा दी मर्जी दे नाल हर एक क्रिश्चियन बंदे दे जीवन च आंदे। ऐदा दे लोग हैगे चर्च दे विच जिन्हां नू परमेश्वर दा आत्मा रात नू 2 बजे उठांदा है क्योंकि उन्हां को प्रार्थना करन दा एक अजीब इंटरसेशन दा एक गिफ्ट है उन्हां को। वह उन्हों को अपने पास्टर दे लिए प्रेयर करन दा एक अजीब बोझ है। ये परमेश्वर की ड्यूटी है जी, उन्होंने परमेश्वर ने उन्होंने ब्लैस करन दे लिए और उदे पास्टर लिए सुरक्षा रखन दे लिए उदी लगाई। हर एक बंदे दे अंदर एक वक्रा गिफ्ट है बाइबल दे विच लिखिया, पर एक गिफ्ट तानू लंबी उम्र नहीं दे सकते, करैक्टर तानू लंबी उम्र दिंदा। गुण लिखिया तेनू बुलाया गया इस करके कि तू परमेश्वर दे की प्रकट कर सके, गुण प्रकट कर सके। यूसुफ ने एक गुण प्रकट किया अपनी अपनी पोती पर दी पत्नी देते, जो उन्हें अपने नाल सोन ले किया, कहिंदा मेरा 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 मालिक पोती पर जिन्हें सारा घर मेरे हाथ च करता, सारी प्रॉपर्टी मेरे हाथ च करती, सिर्फ तू है जड़ी जड़ी मेरे वश च निगी, पर मैं जे हुण तेनू अपना कर लांगा और तेरे नाल गलत काम करांगा मेरा विवेक मैनू दोषी ठहराएगा। एक गुण सही नहीं, ये एक अवगुण है। बाइबल च लिखा उन्हें परमेश्वर का गुण उत्थे प्रकट किया। अगर तुसी क्रिश्चियन हो तो तुसी परमेश्वर के गुणा नू प्रकट करन दे लई बुलाए गए। अगर तुसी एक गल पकड़ लो तो एक गल याद रखो,
जब यूसुफ नू वेचिया जा रहा सीगा और वेच के वेच के किन्ने पैसे मिले उन्होंने, किन्ने सिक्के मिले उन्होंने, चांदी दे कुछ 20-20 सिक्के। वो इनू वेच के, यूसुफ नू वेच के, वो ए गल नहीं सी जानते, वो यूसुफ दे बदले पैसा नहीं पा रहे, बल्कि खुद यूसुफ नू उस देश का प्रधानमंत्री करके इनू पैसा दे रहे हैं। अगर तुसी परमेश्वर दे गुणा नू प्रकट करोगे और ताडे अंदर परमेश्वर का करैक्टर होएगा, जेड़ा विरोधी तनु मारन की कोशिश कर रहा है और ये नहीं जानता वो तनु जिला रहा है, बल्कि तनु गरीब करने की कोशिश नहीं कर रहा बल्कि तनु अमीर कर रहा है, तेरे नाम नू खराब करने की कोशिश नहीं कर रहा बल्कि तेरे नाम नू होर दूर तक लेके जान दे ली, तेरी हेल्प कर रहा हो। हालेलुया। मैं लोगों को दसा सीगा कि याकूब कहता अपने मामे नू, जे परमेश्वर मेरे नाल ना हुंदा ते अज मैं खाली हाथ वापिस जाता इतों। कुछ लोग खाली आते हैं अपनी जिंदगी दे विच, इस करके नहीं कि उन्होंने बिजनेस पार्टनर ने उन्होंने धोखा दिता या उन्होंने चंगे लोग नहीं मिले या उन्होंने जिंदगी दे विच कोई घटनावां हो गई, वो इसलिए खाली हाथ ने क्योंकि परमेश्वर उन्होंने नाल नेगा। परमेश्वर ने कहा मैं तेनों अपनी अद्भुत ज्योति दे विच बुलाया। जो ज्योति च परमेश्वर ने बुलाया तो दूरों नजर आते हो, फिर जो फुल लाइट होंगी है तो दूरों नजर आते हो। अपन ब्लैसिंग्स के करके, उस फेवर के करके जो परमेश्वर के कोलो पाते हो, जो दूजे लोगों के कोल नहीं है, क्योंकि रंग बिरंगा अंग रखा किसी भरा के कोल नहीं सी, इसलिए दूरों नजर आ रहा है क्योंकि रोशनी ज्यादा सी। अगर तुम परमेश्वर के बुलाए गए हो, बाइबल लिखा तुम ज्यादा रोशनी बुलाए गए हो, तुम दूरों नजर आने वाली ब्लैसिंग रखोगे, लोग तुम देखे और दूरों देखे और ओ आ रहा बंदा अपना। मैं सच कह रहा तैनू, ये तेरी बुलाहट है, इस काम लिए परमेश्वर ने तैनू चुने। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे उत्ते ऐसा अनुग्रह दवांगा जिस तरह यूसुफ के उत्ते सिगा। सत कलर लिखा, रंग बिरंगा अंग रखा जिहड़ा किसे भरा दे कोल नहीं सी। परमेश्वर ने कहा ओ फेवर मैं एक क्रिश्चन व्यक्ति की जिंदगी च देना चाहना। यह बुलाहट है तुहाडी, आमीन छोटा चर्च। मैं लोगों को दसदा क्रिश्चन लोगों नू जिहड़े पॉलिटिक्स दे विच ने, कि किसी का कसूर नहीं है कि तुम सिर्फ छोटिया छोटिया पोस्टा दे बड़े आनंदित हो जाते हो, यह सिर्फ तुहाडा कसूर है। जे परमेश्वर तुहाडे नाल होवे तुसी उच्चिया कुर्सी ते होंगे, यह प्रोफेसी है, परमेश्वर की प्लैनिंग है तुहाडी लाइफ दे लई। हालेलुया। जो तुसी परमेश्वर दे कॉन्शियसनेस, परमेश्वर दे विवेक च, अपने मन दे विवेक ते खड़े हो जाते हो ना, जो तुसी समझ जाते हो कि मैं परमेश्वर दे नाल रहना, मैनू किसे दा कोई मतलब नहीं, इसलिए यूसुफ निराश नहीं होया अपनी बीमारियां तो, अपने मुश्किलों तो। निराश होके बंदा पाप करता हो, लोग कहते हो मैं बड़ी कली सी, मैं बड़ी स्ट्रेस च सी, इस करके मैं मुंडे नू आई लव यू कह दिता, मैं भाजी बहुत कला सीगा, मैंने दारू पी ली। जो तू कला सी और स्ट्रेस सीगा तू दारू पीन चला गया, गड्डी थले सिर दिन क्यों नहीं गया तू, तो अपनी उंगलियां उत्ते थोड़ियां क्यों नहीं मारियां, क्योंकि स्ट्रेस दे विच जो बंदा असली है वह जाहिर हो जाता, जो बी जा रही है तो स्ट्रेस उन्हों असली जाहिर कर देगी, जो दारू पीन वाला है स्ट्रेस उन्हों असल उदा बाहर कट देगी, तो जो सिगरटा पीन वाला है उदी स्ट्रेस उन्हों असल बाहर कट देगी। और जे तुसी धर्मी हो ताड़ी स्ट्रेस तनु धर्मी पैदा करेगी, और जब लोग तनु वेच के बहुत खुश होंगे, ओ देख आपा यूसुफ नु 20 सिक्कियां च वेचता, उन्हें तनु 20 सिक्कियां च वेचिया नहीं बल्कि तनु करोड़ों रुपया दिता, क्योंकि अगला देश तेरा तैयार, तेरी 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 वेट कर रहा अगला देश तेरा। आमीन छोटे चर्च, आमीन छोटे। लोग सोचते हैं ओ असी इन्हों की बदनामी करती, असी इन्हों की बदनामी करती, उन्होंने ये नहीं पता तुम बदनामी नहीं की, तुम तनख्वाह दे के खरीदे गए लोगों जड़ी मेरी मेरे नाम दी नाम दी मशहूरी कर रहे हो, और आज मैं मशहूर हो चुका। ओ आमीन छोटे चट, आमीन छोटे। ओ लोग जो तेरे विरोधी हैं वो ये ना सोचन कि तुम नीचे हो, क्योंकि तुम उपर जाने की तैयारी कर रहे हो। ओ वी सिक्के बीज है एक, ओ प्रोफेसी है, ओ प्रोफेसी की पैसा तोड़े नाल जुड़िया होया, आशीष तोड़े नाल जुड़ी हुई है। ओ आमीन छोटे छोटे, आमीन छोटे। सुनो, गल परीक्षावां दी नहीं है, गल धर्मी या धर्मी ना होण दी, गल परीक्षा दी नहीं, गल दुखां दी नहीं, गल विरोध दी नहीं, गल धर्मी हैगे असी या नहीं हैगे। अगर तो धर्मी आसी फिर तो यीशु मसीह वांगू जिन्ने कोड़े साढ़े पैणगे लोगों लिए उन्नी चंगियाई पैदा होएगी।
ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੰਡਿਆ ਤਾਸ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਥੁੱਕਿਆ ਔਰ ਉੱਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਬਹਾਇਆ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਉਸੇ ਲਹੂ ਬਹਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਔਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ते गल परीक्षा दी नहीं गल कोड़िया दी नहीं गल मार दी नहीं गल बेसी दी नहीं गल ए जे असी धर्मी हाँ ते ओ परीक्षा बहुत सारे लोकां दे बहुत सारे वंशां दे बहुत सारे देशां दी ब्लेसिंग दे लई है ना कि तुहानू श्रापित करन दे लई ना कि तुहानू नीवा करन दे लई ना कि तुहाडी बेइज्जती करन दे लई आमीन छोटे चर्च पर गल ए है असी धर्मी हाँ के नहीं अगर लिखा धर्मी हो के परीक्षा आएगी परीक्षा आएगी दुख आएगा तो वह सानू मजबूत करने लिए उच्चा करने लिए अगले लैवल से लैके जाने लिए होएगा। यूसुफ कह सकता सी मैं की दोष किया मैं तो अपने भरावां दे गंदे काम अपने डैडी नू दसदा हुंदा सी इहदा मतलब मैं गलती करती मैं मिसटेक कर दिती है चंगे काम करके पहला मैं बदनाम नहीं सी पर आज चंगा काम करके मैं बदनामी लई है पहला मैनू कोई माड़ा नहीं सी कहिंदा पर जद मैं ज्यादा चंगे काम करने शुरू किए लोग मैनू माड़ा कहिंदे यूसुफ भी कह सकता सी आ गल कि मैनू की लोड़ अपने भरावां की बदनामी करन दी जो मर्जी करन मैं की लेना देना मैं गल देखी चुप रहने वाला बंदा अपनी लाइफ दी 90% चीजा गवा देंदा अज कुछ लड़कियां उन्हां थावां ते नहीं है जिथे होना चाहिए क्यों उन्हां दी मावां उन्हां दे व्यभिचार दे वल देख के चुप ने कुछ लड़के उत्थे नहीं है जिथे होने चाहिए सी क्यों उन्हां दे बाप उन्हां दे नशियां वल देख के चुप ने अब्राहम दे बच्चों नूं पता सीगा कि जे अब्राहम दा परमेश्वर साडा परमेश्वर होएगा तो फिर उहदी प्रॉपर्टी साडी है नहीं तां नहीं लिखा उहदे गुण प्रगट करो ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਆਮੀਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਅਦਭੁਤ ਜੋਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਤਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਦੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਗੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਚਰਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਮੀਨ ਜਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਉਹਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਨਿਬੜਦੇ ਆਪਾਂ ਧਰਮੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜੀ ਇਕੱਲੀ ਸੀ मेरे घरदिया ने मेरा साथ नहीं दिता जी तो मैं बॉयफ्रेंड कर ले जी मैं कल्ला सी जी मैं दारू पी ली जी तू स्ट्रेस करके दारू नहीं पीती तू इस करके दारू पीती तू क्योंकि दारूड़ी है तू तू ड्रंकर बंदा तू तू स्मोकर है तू तू व्यभिचारी है इस करके तू किया क्योंकि स्ट्रेस दे विच तेरा असली असली बाहर आंदा जो तू असली है अगर तुसी धर्मी हो मैं तुहानूं दसदा तुसी किद्दां दे होवोंगे पहली गल तुसी दूरों नजर आओगे ये पहली पहली निशानी होएगी तुहाडी लाइफ दे विच तुहाडी ऐसी ब्लैसिंग ऐसी टेस्टमनी होएगी अगर नहीं है तो अज एक प्रण करके जाओ कि ऐसी टेस्टमनी मेरी होएगी मैं दूरों आऊंगा और मैं नजर आऊंगा अगर तुम रियल धर्मी हो स्ट्रेस आंदे ते दारू पीन नहीं जाओगे तुम प्रभु नूं गाला नहीं कढ़ोगे तुसी क्योंकि रियल पता तुहाडा उदों लगता है जो तुसी स्ट्रेस च हुंदे हो टेंशन च हुंदे हो परीक्षा च हुंदे हो कोई माड़ा काम हो जाए तुहाडे नाल फिर पता लगता तुसी असली कौन हो ये निशानी होएगी तुहाडी अगर तुसी धर्मी हो तो दूरों नजर आओगे तो अपनी ब्लैसिंग दे करके टेस्टमनी दे करके अपने मसे दे करके अपने गल्लां दे करके अपनी जिंदगी दे विच जो तुहाडे परमेश्वर ने दिता उहदे करके तुसी दूरों नजर आओगे दूसरी गल तुसी प्रॉब्लम सॉल्वर होंगे बाइबल दे विच लिखिया फिरौन ने दर्शन देखिया कि सत मोटियां गावां नदी चो निकलियां और घा चरण लगियां
फिर सत करूप गावां निकलियां, मोटियां गावां नूं खा गईयां, पर रहियां करूप दियां करूप। उठ गया वह कब्र आ गया, फिर सो गया, फिर दर्शन देखा कि सत बाल, सत कौन दिया जिन्हें अन्न दियां बालां कहने, वह निकलियां। फिर सत निकलियां, वह सत्तां नूं खा गईयां। उन्हें दो तरह के दर्शन देखे, सारे जोशियां नूं सद लिया, तांत्रिकां नूं सद लिया, किसी नूं उस दर्शन का मतलब समझ नहीं आया। मोस्टली बंदा अपने सपनों के विच वह गल्लां देखदा जो सारा दिन सोचदा या सारा दिन देखदा। सारा दिन सास बहू देख के रात नूं स्वर्गदूतां नूं मिलन की इच्छा आपां नहीं रख सकते, क्योंकि बंदा सारा दिन जो देखदा वह रात नूं सपना आंदा। उहनूं जो प्रेयर दे विच रवे, फास्टिंग दे विच रवे, प्रार्थना च रवे, बाइबल पढ़े, और रात नूं देखदा है दूतां नूं, परमेश्वर दे दासां नूं, क्योंकि जो असीं देखदे हां। पर यह दर्शन अलग सीगा, क्योंकि असीं जे मान लो यह देखिया होवे किसी बंदे ने कि वह राजा है, वह शेर उहनूं खा गया, भालू उहनूं खा गया, पर इत्थे गां ने गां नूं खाधा, जिहड़ा यह दर्शन राजा इसलिए घबरा गया क्योंकि बंदा रोज़ सुपना देखदा पर वह घबरांदा नहीं। उन्हें पता मैं सारा दिन टीवी देखदा, उन्हें पता मैं सारा दिन गल्लां करदा, मैनू सपना कोई भी आ सकता, कोई भी नॉनसेंस सपना आ सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर जिहड़ा सपना राजे ने अज देखिया वह गड़बड़ सी, क्योंकि उस सपने जो उन्हें देखा गां गां नूं खा गई, जबकि गां वैजीटेरियन है। फिर उन्हें देखा गां गां नूं खा गई, उन्हें समझ उन्हें पता से कि यह दर्शन आम दर्शन नहीं है, यह दर्शन के पिछे परमेश्वर का हाथ है, ये दर्शन मेरे दिमाग की उपज नहीं है। अगर मेरे दिमाग की उपज होंगी तो शेर गां नूं खांदा, भालू गां नूं खांदा, भेड़िया खांदा, कुत्ते खांदे, तो फिर उन्हें देख के कहना कोई गल नहीं। पर इत्थे लिखा गां गां नूं खा गई, तो क्रॉप फसल फसल नूं खा गई। जोशी सद ले, तांत्रिक सद ले, किसी नूं समझ नहीं आई। मैं तुहानूं दसना चाहना कि जो तुसीं धर्मी हुंदे हो किद्दां परमेश्वर तुहाडी मदद करदा। जेल दे विच जो यूसुफ सीगा, पकान वाले दा प्रधान ते प्यान वाले दा प्रधान, यानी जिहदी ड्यूटी सीगी रोटी रोटी दे उत्ते, एक दी ड्यूटी सी पानी दे उत्ते, कोल्ड ड्रिंक जूस पीन वाले दा प्रधान, पकान वाले दा प्रधान, वह दोनों जेल च सुटते राजा ने, कोई गलती होगी उन्होंने कोलों। उन्होंने अपना अपना दर्शन उस टाइम यूसुफ नूं दस्या, तो यूसुफ ने जिहड़ा मतलब समझाया उस तरह नाल, एक नूं कहा कि तीन दिन बाद राजा तैनूं वापस रखेगा, एक नूं कहा तीन दिन बाद तू फांसी ते लटकाया जाएगा। ऐदां ही होया, तीन दिन बाद एक बंदा वापस कुर्सी ते आया, तीन दिन बाद एक बंदा फांसी ते लटकाया गया। दो साल बीत गए, दो साल बीतने तों बाद राजे नूं दर्शन आया। जदों राजे ने सारे जोशियां नूं दस्या और कोई नहीं दस पाया, तुहानूं पता उन्हें की कहा, पिलान वाले दा प्रधान जिहड़ा बच गया सीगा, उन्हें कहा अज मेरे पाप मैनू याद आए। पता क्यों? क्योंकि जो यूसुफ ने उदी मदद की सी और उन्हें कहा सी तो मैं तेरी मदद की है, बाहर जाके मैनू याद रखी, राजे दे सामने मेरी जिक्र करी, मेरी चिंता करी। यूसुफ ने कही सी ये गल, पर बाइबल दे विच लिखिया बाहर जाके भुल गया और राजे दे सामने उन्हें कोई जिक्र नहीं किया कि अंदरों एक धर्मी बंदे ने सानू दर्शन दस्या सीगा, उस दर्शन का जेड़ा मतलब उन्हें दस्या ओही साडे नाल होया, मैं बचाया गया ते पकान वाले दा प्रधान मारिया गया। समझ आई कि नहीं? पर उन्हें दो साल कोई चर्चा नहीं की, कहिंदा अज मेरे पाप मैनू याद आए। क्यों? क्योंकि बाइबल दस दी है परमेश्वर ने उन्हें पनिश किया उस बंदे नूं जिन्हें दर्शन का मतलब लैके यूसुफ की कोई सहायता नहीं की, और उस टाइम वो उत्ते एक दंड चल रहा है, पनिशमेंट चलती सी, और जीवन दुखा के भरिया और बेचैनी ने भरिया होया। और जो उन्हें देखा कि हाँ मैं याद है कि मैं अपनी जिंदगी इन्हें दुखों च इसलिए निकल रहा क्योंकि मैं एक धर्मी बंदे की गल नहीं मनी, और बाइबल लिखा उन्हें राजे नूं दस्या कि राजा हैगा एक बंदा अंदर, बुला उन्हूं, वो तेरे दर्शन का मतलब दसेगा। जो तुसी धर्मी हुंदे हो, रब नाल मेल मिलाप हुंदा है, मैं तुहानूं रियल दस रहा वो तुहाडे लई लोकां नूं पनिश भी करदा हो, मैं तुहानूं रियल दस रहा तुहाडे करके वो लोकां नूं पनिश करदा हो, तुहाडे करके तुहानूं सेफ रखने लिए परमेश्वर बहुत सारिया योजनावां बना के रखता, ताकि तुसी मारे ना जाओ, ताकि तुसी पिछे ना रहो, और तुहाडी जिंदगी जी मेरी योजना कभी भी इदां ना होवे कि पूरी ना होए। पर प्रॉब्लम है कि असीं धर्मी हैगे या नहीं हैगे। तुहाडी लाइफ दे विच बहुत सारी चीज़ां तुसी अपनी शारीरिक ताकत ना कर सकते हो, अपने गिफ्टां ना कर सकते हो, इंटैलीजेंसी नाल अपने टैलेंट ना कर सकते हो,
पर एक टाइम आता तो जिंदगी दे विच जिते तुसीं कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय परमेश्वर दे वड्डे हाथ नूं लैण दी बजाय वह भी अद्धा नहीं पूरा आमीन। तुहानूं पता कि इत्थे सिर्फ परमेश्वर का हाथ ही है जिहड़ा मैनूं बचा सकदा आमीन। इसलिए हर बंदा अपनी फील्ड च कामयाब नहीं हुंदा क्योंकि उन्हूं पता होना चाहिए कि सब कुछ